ये गोवा की नाइट लाइफ कैसी है। कोलवा बीच पे मैं पहुंच गया और धीरे धीरे 9 बजे के बाद पहुंचा था और 10 बजे तक तो यहाँ ऐसा सन्नाटा हो गया, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, इक्का दुक्का कोई आदमी दिख रहा है और बीच पे तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल बीच खाली हो गया है। क्योंकि कोलवा बीच पे रात में भीड़ नहीं होती है और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा है। यहाँ वो बीच नहीं है क्योंकि जो रौनक गोवा के बीचों पे होती है वो यहाँ कोलवा बीच पे नहीं है। ये बीच सिर्फ शाम तक के लिए है, लोग शाम तक यहाँ घूमे फिरे बैठे उठे, फैमिली बीच है वैसे तो, ये बिल्कुल शांत, कोई हाथोबा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट में यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ नाइट में खास करके अगर फैमिली हो, लेडीज साथ हो, बच्चे साथ हो, तो किसी बीच पर सुनसान जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए। जहाँ जिन बीचों पर रौनक है वहाँ आप रहिए, घूमिए फिरिए, और देर रात ज़्यादा लंबा गोवा में सफ़र भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी जगह हैं तो वहीं स्टे करिए, वहीं होटल ले लीजिए और रुक जाइए और सुबह का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बाहर से आए लोग हैं, कोई भी अनहोनी ना हो तो सेफ्टी सबसे पहले। और यहाँ गोवा में वैसे तो क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। और जंगली इलाका, मतलब यहाँ जंगल भी ज़्यादा है, सफ़र के दौरान जंगल ज़्यादा पड़ते हैं, तो अपनी सेफ्टी रखिए।